हेलो स्टूडेंट्स, तो हम एग्जांपल्स पे आ गए हैं रिग्रेशन का 7.1 का थ्योरी करने के बाद। एग्जांपल्स में जो मोस्टली क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे वो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स के जो कोफिशिएंट आते हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, उनके ऊपर फोकस्ड रहेंगे। इसके डिफरेंट फॉर्मूले हमने किए हैं, जैसे जैसे एग्जांपल में यूज होंगे मैं साथ के साथ आपको फॉर्मूले दिखाऊंगा। एग्जांपल नंबर वन, एक्स और वाई दे रखे हैं, नॉर्मल इक्वेशन, इसने वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट ले ली। जब आप लाइन की बात करते हो तो आप 1 डिग्री इक्वेशन लेते हो वाई की एक्स में, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ले ली इसने। नॉर्मल इक्वेशन ले रखी है, नॉर्मल इक्वेशन पहली बार जब आई तो वो पेज नंबर 7.3 पे आ गई थी, समीशन वाई आई एन ए इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स आई, समीशन एक्स आई वाई आई ए समीशन एक्स आई एंड प्लस बी समीशन एक्स आई स्क्वेयर। तो ये नॉर्मल इक्वेशन होती है, इसके बाद भी ये वाई ऑन एक्स की है, एक्स ऑन वाई की, ये वाई ऑन एक्स की थी तो उसके बाद भी ये कई बार आई। ये है, ये है, ये वाई ऑन एक्स की है, तो बहुत सारे इसके हमने टाइप देखे हैं इक्वेशन निकालने के। तो वाई अगर ए प्लस बी एक्स के इक्वल हो तो नॉर्मल इक्वेशन ये होती है, पीछे हमने देखा पेज नंबर 7.3 पे, समीशन वाई इज इक्वल टू एन एस प्लस बी समीशन एक्स, समीशन एक्स वाई ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। यानी मुझे करना क्या है, मुझे x और y लेके समेशन करना है। देखो यूज़ है दोनों के समेशन का, समेशन y यहाँ यूज़ है, समेशन x यहाँ और यहाँ यूज़ है। समेशन x और y के बाद समेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, इसका यूज़ यहाँ पे है, और समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, समेशन x समेशन y चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ये है, इसमें समेशन एक्स वाई भी चाहिए, समेशन एक्स भी चाहिए, समेशन वाई भी चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो इसे सबको जोड़ दिया, समेशन एक्स आ गया, सबको जोड़ दिया, समेशन वाई आ गया, स्क्वायर कर दिया एक्स का, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, जोड़ दिया समेशन एक्स स्क्वायर आया, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 into 1 9, 2 into 8 16, 3 into 10 30, अप टू सोन, समेशन एक्स वाई इसको जोड़ के आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया, इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 2 में जब आपने वैल्यूज सारी पुट कर दी तो 3 और 4 से 2 इक्वेशन आई मेरे पास, ए प्लस 4b इज इक्वल टू 11, 14a प्लस 70b इज इक्वल टू 167, ये 2 से डिवाइड करने के बाद आएगी। तो मल्टीप्लाइंग 3 बाय 14, 3 मतलब इसको 14 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड में 14 से मल्टीप्लाई करके 14a प्लस 56b हो जाएगा इज इक्वल टू 154। तो 14a कट जाएंगे आपस में, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5 फ्रॉम 4 तो 14b इज इक्वल टू, 14b कैसे आया, 70b माइनस 56b होता है 14b, 167 माइनस 153 होता है 13, b की वैल्यू आई 13 बाय 14, विच इज 0.93। वाई की वैल्यू, बी की वैल्यू आप डाल सकते हो किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों में से डालने के बाद ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई निकालने हैं, यानी बी एक्स वाई और बी एक्स वाई, बी वाई एक्स निकालना है। बी वाई एक्स मतलब वाई ऑन एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, और बी एक्स वाई मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। दिया क्या क्या हुआ है हमको, स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखी है एक्स वाई की, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे रखा है 4 3, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, सॉरी एक्स एंड वाई यानी सी ओ वी दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर दे रखा है, सॉरी आर की वैल्यू 0.8 दे रखी है। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला हमने बनाया था पेज नंबर 7.6 पे, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। इसका प्रूफ और इसका सारा थ्योरी हम मैंने लास्ट अपना जो लेक्चर दिया है यूट्यूब पे उसमें दे रखा है। तो बी वाई एक्स की वैल्यू ये थी, बी वाई एक्स की और बी एक्स वाई की ये थी, ठीक है जी। और इससे पहले भी जहाँ इसको डिराइव किया है पहली बार,
वहाँ भी बी की वैल्यू देखो आप, ये बी कौन है, ये बी वाई ऑन एक्स है, वाई ऑन एक्स आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, ये बी एक्स वाई है, कहने का मतलब बी वाई एक्स है और सिमिलरली करके एक्स वाई जाएगा, उल्टा करके इसको सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स का सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए तीन ही चीज़ें चाहिए, आर चाहिए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई चाहिए। जब वाई ऑन एक्स निकालेंगे तो वाई को ऊपर रखेंगे, सिग्मा वाई को, सिग्मा एक्स को नीचे रखेंगे, आर इनटू में रहेगा। तो यही किया, वैल्यू आ गई। एक्स ऑन वाई निकालेंगे तो सिग्मा एक्स ऊपर सिग्मा वाई नीचे, ये फॉर्मूले में ही है, उसको याद करने का तरीका है। इसके बाद फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट, एक और तरीका है रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने का। यहाँ समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स स्क्वायर दे रखा है और वाई ऑन एक्स का निकालना है, यानी बी वाई एक्स निकालना है। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला वहाँ दे रखा है, हमने जो डिराइव किया था, पेज नंबर 7.6 जो आर्टिकल 7.7 है उसमें वैल्यू है समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स स्क्वायर समीशन एक्स का स्क्वायर। तो ये चीज़ें देखते हैं हमारे पास है या नहीं है। समीशन एक्स है, समीशन वाई है, समीशन एक्स स्क्वायर है, समीशन वाई स्क्वायर है, समीशन एक्स वाई है, एन भी है 10 के। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला समीशन एक्स वाई, इसकी वैल्यू दे रखी है समीशन एक्स वाई की 1200 इंटू एन आएगा 10, समीशन एक्स समीशन वाई का प्रोडक्ट आएगा, समीशन एक्स समीशन वाई का प्रोडक्ट, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, समीशन एक्स की वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर कर देंगे, 60 का स्क्वायर होता है 3600, तो ये वैल्यू बन रही है 1.29। ये बी वाई एक्स आया। अब एक ऐसा क्वेश्चन था जिसकी ज़रूरत हमको दो बार पड़ी, यानी अगली बार अगर हमको डाटा ही दे दिया जाए तो हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे, उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यही हुआ एग्जाम्पल नंबर 4 में, बी वाई एक्स निकालना था, एक्स वाई दे रखे थे, समीशन एक्स चाहिए समीशन एक्स निकाल दिए, समीशन वाई चाहिए समीशन वाई भी निकाल रखा है, समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए समीशन एक्स स्क्वायर भी निकाल रखा है, समीशन एक्स वाई चाहिए समीशन एक्स वाई भी निकाल रखा है, एन चाहिए एन भी निकाल रखा है, ठीक है जी। समीशन वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ समीशन वाई स्क्वायर का यूज़ नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक्स्ट्रा दे रखा था पजल करने के लिए, फॉर्मूला भुलाने के लिए। तो वही फॉर्मूला जो डिराइव किया 7.6 पेज पे, 7.7 फॉर्मूला, वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। एग्जांपल नंबर 5, कैलकुलेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर डाटा गिवन बिलो 1, 4, 2, 8, 3, 2, 4, 12, 5, 10, 6, 14, 7, 16, 8, 6, 9, 18। यहाँ जो पहला है वो x है, दूसरा y है, हमको निकालना क्या है रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों निकालने हैं। तो इस बार एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे, वाई स्क्वायर भी निकालेंगे, एक्स वाई भी निकालेंगे, समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर समीशन एक्स वाई आ गया। बी वाई एक्स का फॉर्मूला अभी भी हम दो बार यूज़ कर चुके हैं, वही है, सिर्फ बी एक्स वाई जब आएगा, एक्स ऑन वाई का कोफिशिएंट जब आएगा तो समीशन वाई स्क्वायर आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर की जगह, ठीक है, समीशन एक्स की जगह समीशन वाई हो स्क्वायर। तो बाकी सेम फॉर्मूला है, वैल्यू दोनों की निकल जाएगी यहाँ से पुट करके, आपको टेबल में पता है x जब होता है तो एक्स स्क्वायर क्या आता है, वाई स्क्वायर क्या आता है, जब y बताओ 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट होगा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.60, r की वैल्यू 0.60 है, सिग्मा x सिग्मा y दे रखे हैं, x बार y बार दे रखा है, आपने इक्वेशन निकालनी है y ऑन x और x ऑन y की। तो एक फॉर्मूला बनाया था हमने y माइनस वाई बार इक्वल टू आर सिग्मा वाई बाई, ये आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स जो है ये बी वाई एक्स है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन y ऑन x, और ये फॉर्मूला हमने बनाया था पेज नंबर 7.5 पे, 7.5 जो कल मैंने नोट्स डाले हैं और जो कल आपको वीडियो समझाई है, उस वीडियो में ये प्रूफ भी है। तो y माइनस वाई बार आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू आर सिग्मा वाई एक्स बाई सिग्मा वाई वाई माइनस वाई बार, जो y की इक्वेशन x में आती है उसको y ऑन x बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, जो x की इक्वेशन y में आती है उसको रिग्रेशन लाइन x ऑन y बोलते हैं। तो इसका यूज़ किया, इस फॉर्मूले का यूज़ किया, y बार हमारे पास है यानी मीडियन मीन हमारे पास है, एक्स बार हमारे पास है तो एक्स बार का यूज़ बाद में करेंगे, एक्स बार का यूज़ ये रहा, एक्स बार का और वाई बार का यूज़ भी हो गया, आर का यूज़ भी हो गया, सिग्मा वाई का सिग्मा एक्स का यूज़ भी हो गया,
सारी वैल्यूज डालने के बाद वाई की इक्वेशन एक्स में आई, जो वाई ऑन एक्स होती है। इसी तरह से एक्स ऑन वाई के लिए फॉर्मूला था एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर करली सॉरी सिग्मा एक्स दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई वाई माइनस वाई बार। वैल्यू डालने के बाद एक्स की इक्वेशन वाई में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेयर एक्स वाई वेरिएबल एक्स एंड वाई द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स स्क्वेयर समेशन वाई स्क्वेयर समेशन एक्स वाई और एन। ये एक्स वाई के बारे में ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये वैल्यूज निकाली गई हैं। देखने के बाद एक्स वाई को हमने एक्स ऑन वाई की इक्वेशन निकालनी है और वाई इक्वल टू फोर पुट करके वहाँ से एक्स का एस्टिमेट करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम बी एक्स वाई निकालना, कोफिशेंट होगा तभी उसका यूज़ करके हम यहाँ फॉर्मूले में डाल सकेंगे। फॉर्मूला वही है आर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई या बी एक्स वाई, एक ही बात है। आपको बी एक्स वाई का फॉर्मूला भी याद होगा, बी एक्स वाई का फॉर्मूला हमने आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से बना रखा है। ये बी एक्स वाई है आर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई, तो जो ये आर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई हम लेते हैं ये बी एक्स वाई होता है। तो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार का फॉर्मूला है हमारा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ है, पहले बी एक्स वाई निकालना जरूरी था, निकाल लिया, फॉर्मूला यही है, इन चीज़ों का पता है। समेशन एक्स वाई ऊपर दे रखा है, समेशन एक्स समेशन वाई दे रखा है, समेशन वाई स्क्वेयर समेशन वाई सारे का स्क्वेयर 70 का आंसर आया -0.16, यानी आर भी नेगेटिव और बी एक्स वाई भी नेगेटिव और बी वाई एक्स भी नेगेटिव, ये तीनों नेगेटिव आएंगे क्योंकि ये भी थ्योरी हमने पढ़ रखी है कि तीनों का साइन सेम आता है। ये था फोर्थ पार्ट था 7.6 का कि तीनों का साइन सेम रहता है, जो एक नेगेटिव आ गया तो बाकी दोनों भी नेगेटिव आएंगे। इसके बाद x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, तो x बार निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, समेशन x बाय टोटल n टोटल वैल्यूज, समेशन x मतलब 110 बाय n यानी 25.5, समेशन y बाय n मीन ऑफ y 70 बाय 23.5 पुट किया। x माइनस एक्स बार इक्वल टू r सिग्मा x बाय सिग्मा y लिखें या बी एक्स वाई लिखें की बात है, y माइनस वाई बार पुट करने के बाद आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन फ्रॉम डाटा गिवन बिलो। x और y दे रखे हैं, आपने लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना है, यानी फिर वही बात समेशन एक्स स्क्वेयर समेशन वाई स्क्वेयर समेशन एक्स वाई एक्स बार वाई बार बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों निकालने हैं। बी वाई एक्स निकाल रखा है, एक्स बार वाई बार भी निकाल रखा है, बी एक्स वाई भी निकाल रखा है, बी वाई एक्स भी हो गया, बी एक्स वाई भी हो गया। फॉर्मूला वाई ऑन एक्स का है वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। वाई बार की वैल्यू 9 आई थी, बी वाई एक्स की वैल्यू 0.26 नेगेटिव और एक्स बार की वैल्यू 5 इक्वेशन आ गई। इसी तरह से एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब अगर बी एक्स वाई नेगेटिव आया है बी वाई एक्स, तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव है, देखो दोनों नेगेटिव है, -0.38 -0.26। तो उसको पुट कर दिया इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई में, एक्स बार को पुट कर दिया वाई बार को पुट कर दिया बी एक्स वाई को पुट कर दिया, आंसर आ गया एक्स इक्वेशन वाई में आ गई, एक्स की वैल्यू वाई में आ गई। एग्जांपल नंबर 9, लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स निकालनी है, एक्स वाई दे रखे हैं। इस बार इसने एक नया काम किया, ओरिजिन चेंज कर दिया एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस थ्री। ये ओरिजिन चेंज कैसे होता है, हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं ऊपर वाले डाटा का नीचे वाले डाटा का। एज्यूम्ड मीन कैसे निकलता था आपको ध्यान होगा, हम बीच का नंबर लेते थे, जैसे 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 है, 3 से लेके 10 तक की गिनती है, इसमें 5 नहीं है, वैसे टोटल ऑब्जर्वेशन है 7। एज्यूम्ड मीन कैसे निकलेगा, अंदाजा क्या लग रहा है, जब आप देखते हो कि 4 और 3 7 नंबर हैं, तो 3 नंबर आगे के 3 नंबर पीछे के छोड़ने चाहिए थे, पर अगर लगातार नंबर होते तो, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें 6 और 7 बिल्कुल बीच में आ रहे हैं, तो आप 6 को भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हो, 7 को भी ले सकते हो, तो इसने 6 ले रखा है, आप 7 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से दूसरे डाटा का एज्यूम्ड मीन, दूसरे में काउंटिंग स्टार्ट है 6 से, 6, 7, 8, 11 नहीं है,
दस है, नौ है, दस है, बारह है, तो छः से बारह के बिल्कुल बीच में कौन आ सकता है? छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, नौ आ सकता है, तो नौ ले रखा ऐसे। तो एज्यूम्ड मीन होता है ये। एज्यूम्ड मीन इसलिए लिया जाता है या ओरिजिन को चेंज इसलिए किया जाता है कि वैल्यूज बड़ी बड़ी कैलकुलेट ना करनी पड़े। तुम 12 का स्क्वायर करते 144 आता, 10 का स्क्वायर करते 100 आता, अब क्या होगा? डिफरेंस करने के बाद स्क्वायर करेंगे, बड़ा छोटा वैल्यू आएगा, समेशन यूवी का वैल्यू बड़ा छोटा आएगा। तो सिर्फ क्या करना है, एक्स में से 6 घटाना है, वाई में से 9 घटाना है, आंसर आ जाएंगे सारे। इसके बाद यू स्क्वायर करना है, यूवी करना है। ये यू स्क्वायर यूवी क्यों निकाला? क्योंकि हमने इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालनी है। वाई ऑन एक्स का मतलब इसमें कोएफिशिएंट कौन सा निकालना है, बी वाई एक्स। और बी वाई एक्स और बी वी यू बराबर आते हैं, ये हमने प्रूव कहाँ किया? ये हमने प्रूव किया चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन में, पेज नंबर 7.7। कोफिशियंट ऑफ रिग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट डिपेंड्स ऑन स्केल, यानी जो बी वाई एक्स है उसके ऊपर स्केल का फर्क पड़ता है, एच के का फर्क पड़ता है। हमने प्रूव किया था लास्ट में, एच के आंसर में आया था, एच के का फर्क पड़ता है पर ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता है। देखो जी, एच के को जब वन पुट कर दिया तो बी वाई एक्स और बी वी यू सेम हो गए और वैल्यू आ गई समेशन यू वी माइनस समेशन यू समेशन वी बाय एन। इसी तरह से बी एक्स वाई की वैल्यू भी सेम आ गई। तो आप जो मैंने लास्ट आपका वीडियो बनाया था 7.7 पेज की थ्योरी जब मैंने कराई थी, उसमें सिक्स थ्योरी, आप उसको देख लेना एक बार। तो वहां से बी वाई एक्स और बी वी यू, बी एक्स वाई और बी यू वी सेम आए थे, इसलिए आप नाइन्थ में जब ओरिजिन चेंज करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसने यही किया, फॉर्मूला वहीं से उठाया पेज नंबर 7.7 से, सिक्स पॉइंट से वो वैल्यू सारी डाल दी इसके अंदर। डालने के बाद आंसर आया 0.33 और उसका यूज करना है इक्वेशन, यानी वाई माइनस वाई बार पी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। अब वाई बार क्या है? वाई बार है इन वैल्यूज का, इन वैल्यूज का मीन, जो कि आएगा समेशन वाई बाय एन 8.57। एक्स बार क्या है? इन वैल्यूज का मीन, यानी जोड़ के बाय में 7 करना है, 7 है ना टोटली, 3 और 3 6 7, 7 से भाग करके 6.7 बनाया। इसने पुट किया, पुट करने के बाद वाई की वैल्यू एक्स में आ गई, यानी वाई ऑन एक्स इक्वेशन है। एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, यानी बी एक्स बी वाई, बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालना है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी r निकालना है। सब निकल जाएगा, आप सिर्फ क्या करोगे, दोनों कोएफिशिएंट को निकाल के प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि बी एक्स वाई की वैल्यू आई थी r सिग्मा y बाय सिग्मा x और बी एक्स वाई की वैल्यू आई थी r सिग्मा x y सिग्मा y। और प्रोडक्ट क्या आया था जी, प्रोडक्ट क्या आया था इन दोनों का, आर स्क्वेयर। तो अगर आर की वैल्यू निकालनी है इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, हम यही करेंगे। तो फॉर्मूला वही है। अब की बार इसने 68 से 78 तक का, सॉरी 97 तक का डेटा था, उसमें हमको एक एज्यूम्ड मीन लेना था। इसने 78 ले रखा है, 61 और 97 के बीच में एज्यूम्ड मीन 78 ले रखा है। अंदाजा लेना होता है तो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि 78 ही लो, आप इसको आगे पीछे भी ले सकते हो थोड़ा बहुत। इसी तरह से दूसरा एज्यूम्ड मीन 107 से 156 तक गया, इसका इसने जो एज्यूम्ड मीन लिया है 136 लिया है। अंदाजा, मीन का अंदाजा वो आपने बीच में लेना होता है अंदाजा लगा के। तो 107 और 156 के बीच में लगभग कौन सा नंबर लाई कर सकता है, वो आपने अंदाजा लगाना है, वो आप ले सकते हो यहाँ। तो इसने 156 ही लिया, 136 ही लिया क्योंकि डाटा में था, तो माइनस करेंगे जीरो भी आएगा बीच में कहीं और उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो 78 भी ले रखा है। उसके बाद इसने क्या किया जी, यहाँ स्केल का चेंज नहीं कर रखा, पिछले एग्जांपल में भी नहीं और यहाँ भी नहीं। जहाँ स्केल का चेंज नहीं होगा वहाँ डाटा के बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने कर लिया है, 7.7 पेज पे है। इसने क्या बोला था कि कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में स्केल का फर्क पड़ता है, ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता। आप ओरिजिन को चेंज कर दो, आप एक्स माइनस समथिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स बार सॉरी ए कर दो या बी कर दो ओरिजिन में, उससे फर्क नहीं पड़ता। एच के जो आप लेते हो वो उससे फर्क पड़ेगा क्योंकि वो आंसर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बी वाई एक्स के आंसर में के बाई एच रिफ्लेक्ट हो रहा है, बी एक्स वाई के आंसर में एच बाई के रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दिखेगा वो।
पर अगर एच और के वन है यानी स्केल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हम यहाँ एक्स को ए प्लस यू ले लें और वाई को बी प्लस वी ले लें, एच को वन ले लें, के को वन ले लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, समीशन यू वी माइनस समीशन यू बाई समीशन इंटू समीशन वी बाई एन समीशन यू स्क्वायर माइनस समीशन यू सारे का स्क्वायर बाई एन। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में पहले ओरिजिन का चेंज किया गया, यू वी निकाले, यू स्क्वायर वी स्क्वायर निकाला और यू वी निकाला। यहाँ वी स्क्वायर इसलिए जरूरी था कि हमको बी एक्स वाई भी निकालनी है, पिछले में आपने देखा होगा वी स्क्वायर नहीं निकाला था क्योंकि हमको बी वाई एक्स ही निकालना है सिर्फ। जब बी वाई एक्स ही निकालना था यू स्क्वायर की जरूरत होती है, जब बी एक्स वाई निकालना होता है तो वी स्क्वायर की जरूरत होती है फॉर्मूले में। यहाँ यू स्क्वायर है जैसे समीशन यू स्क्वायर, वहाँ समीशन वी स्क्वायर आता है। तो 10th क्वेश्चन में ये सब करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद, ऐड करने के बाद देखो वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है, तो इसलिए ओरिजिन का चेंज करना जरूरी था। 78 पे चेंज किया और बी वाई एक्स की वैल्यू बी वी यू के सेम बराबर आएगी क्योंकि स्केल का फर्क पड़ता है, ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहेगी। तो वैल्यू आई 1.22। इसी तरह से बी एक्स वाई की वैल्यू आई 0.75। फॉर्मूला वही है, इसमें समीशन वी स्क्वायर का यूज़ होता है, इसमें समीशन यू स्क्वायर का यूज़ होता है। ऑल्सो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन यू बाई एन, यानी जो 78 आया है उसके साथ समीशन यू बाई एन लगा दो तो हमारा मीन आ जाएगा। ये हमने मीन बाय चेंजिंग द ओरिजिन भी सीखा हुआ है चैप्टर 2 में, सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर था, ये फॉर्मूला था उसका, पेज नंबर 2.5 पे, टॉपिक का नाम है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। तो ये फॉर्मूला बन रहा था एज्यूम्ड मीन प्लस मीन जो हमारा यू आता है उसका मीन इनटू में स्केल। अब हमारा स्केल 1 है इसलिए सिर्फ मीन जो आएगा वो एज्यूम्ड मीन प्लस जो हमारी वैल्यूज हैं उनका मीन आएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कई बार किए भी हैं इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके बेस पे सोल्व किए, ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए, तो ये नई चीज़ नहीं रहने वाली आपके लिए, ये भी आप कर चुके हो। तो जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से जो थ्योरी यूज़ करी है हमने उसके बेस पे यहाँ एज्यूम्ड मीन निकल जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस जो हमारी एंट्रीज आई हैं समीशन यू माइनस 24 बाय में एन, एन मतलब कितनी एंट्रीज टोटल हैं आप काउंट कर लोगे इसको, 8 एंट्रीज हैं, 8 बाय 75। वाई बार की वैल्यू भी सेम उसी फॉर्मूले से, सेकंड चैप्टर वाले फॉर्मूले से, जब आपने एज्यूम्ड मीन लिया होता है तो ये फॉर्मूला लगता है, वो 125.5 वाई लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑन ऑफ वाई ऑन एक्स इज वाई माइनस वाई बार, और इसी तरह से x ऑन y की ये है, इनमें वैल्यूज पुट करोगे y की x में इक्वेशन, x की y में इक्वेशन आ जाएगी। एक और काम बोला था इसने, पहले कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालने के लिए बोला यानी बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालने के लिए बोला, फिर रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए बोला जिसके लिए हमने x बार y बार निकाला, ठीक है जी। रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के दो मेथड सीखे हैं हमने, एक तो यही है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, एक और है जिसमें हम नॉर्मल इक्वेशन लेते थे और a और b को बारी बारी ए को एलिमिनेट करके बी की वैल्यू निकाल लेते थे, दो इक्वेशन आती थी नॉर्मल इक्वेशन, वहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकल जाती थी और इक्वेशन आ जाती थी वाई ऑन एक्स, इस तरह से एक्स ऑन वाई। वो लंबा प्रोसीजर था इसलिए इसने डायरेक्ट प्रोसीजर यूज़ किया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का यूज़ करके। तो रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी थी वो ये है। इसके बाद इसने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो यानी आर निकालो, हमने करना क्या है बी एक्स वाई बी वाई एक्स का स्क्वायर प्रोडक्ट करना है, वो आर स्क्वायर आएगा, रूट कर देंगे तो आर आ जाएगा। तो यही हुआ, आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को देखो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों की वैल्यू हमने निकाली थी, दोनों पॉजिटिव आए थे 1.22 0.75, यानी आर का जो वैल्यू लेना है हमने रूट लगा के वो पॉजिटिव लेना है। हम नेगेटिव कब लेते हैं, जब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों का साइन नेगेटिव होता, क्योंकि इन तीनों का साइन सेम आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है आर बी वाई एक्स बी एक्स वाई आर ऑफ सेम साइन, पॉइंट नंबर 4। तो यहाँ से पॉजिटिव इसलिए लिया है और हमने इनका प्रोडक्ट करके रूट करना है, वो आप देख लेना। एग्जांपल नंबर 11 पे आएंगे, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, क्या ये बातें सही हैं जो लिखी हुई हैं, रीजन बताना है अगर करेक्ट नहीं है। एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी बी एक्स वाई की वैल्यू 3, बी वाई एक्स की वैल्यू 2.1, प्रोडक्ट करके आएगा 6.3, और हमने देखा है कि आर की वैल्यू कितनी आ सकती है मैक्सिमम मिनिमम -1 से 1 के बीच में,
और ये हमने चैप्टर 6 में देखा था, 6.12 पेज पे, 6.12 पेज पे चैप्टर 6 में आर के बारे में दे रखा है माइनस वन से वन के बीच में, यानी एक से बड़ी इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। इसका मतलब जो यहाँ आर की वैल्यू आ रही है 6.3 आ रहा है आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर भी एक से बड़ा नहीं हो सकता। आप एक से छोटा कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वेयर एक से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो आर स्क्वेयर यहाँ 6.3 आ रहा है, एक से बड़ा आ रहा है, यानी ये बात गलत है क्योंकि एक से छोटा आता है स्क्वेयर भी। इसके बाद 12th एग्जाम्पल में भी यही बात बोली इसने, पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड, एक लेबोरेटरी रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया ऑफ एन एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन डेटा, द फॉलोइंग रिजल्ट वर लेजिबल, बताओ जी ये सारे सही हैं कि गलत हैं। वेरियंस एक्स 9 के इक्वल, रिग्रेशन इक्वेशन ये है, आपने मीन वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालनी है यहाँ से, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई निकालना है, वेरियंस ऑफ वाई निकालना है। तो एक फॉर्मूला यूज़ किया इसने, इसने लिखा है रिग्रेशन लाइन पास थ्रू मीन एक्स बार वाई बार। ये इसने जो लिखा है एक्स बार वाई बार से रिग्रेशन लाइन पास थ्रू होती है, इसने कहाँ से लिखा है आपको बिल्कुल शुरू की थ्योरी अगर याद हो, मैंने जो कराई है आप एक बार दोबारा वहाँ से पिछली वीडियो में देख सकते हैं ये चीज़, कि जब हम किसी भी इक्वेशन की नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं, किसी भी डाटा की नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वाई बार की वैल्यू ए प्लस एक्स बार आती है। पेज नंबर 7.5 पे इक्वेशन नंबर 4 है, वाई बार इजिकल टू ए प्लस बी एक्स बार, यानी जिस इक्वेशन को हम लेके चले हैं उसको एक्स बार और वाई बार भी सेटिस्फाई करते हैं, एक्स बार और वाई बार भी सेटिस्फाई करते हैं, यानी मीन भी सेटिस्फाई करता है हमारी इक्वेशन को। तो जब हम एग्जाम्पल नंबर 12 में यही सेम लेके चल रहे थे, एग्जाम्पल 12 में, तो उसको भी हमारा मीन सेटिस्फाई करेगा एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार वाई बार ने इसको भी सेटिस्फाई किया, इसको भी किया, दोनों को किया। अब आपने करना क्या है, आठ एक्स बार है उसको 5 से गुना करना है, 40 एक्स बार हो जाएगा, ये हो गया, माइनस कर देना है उसके बाद 40 एक्स बार कैंसिल हो जाएगा, वाई बार बचेगा उसका वैल्यू आ जाएगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि जब दो इक्वेशन दे रखी हो अननोन में और दो ही वेरिएबल निकालने हो तो आप एलिमिनेट करके एक को बचा लेते हो, उसका आंसर निकाल देते हो, उसको पुट करके सब्स्टिट्यूट करके दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हो। तो एक्स बार वाई बार आ गए। इसके बाद रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए क्या होता है जी, वाई की वैल्यू एक्स की इक्वेशन में चेंज करते हैं, एक्स की वैल्यू वाई की इक्वेशन में चेंज करते हैं, जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट होता है वो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। यहाँ वाई के साथ जो कोएफिशिएंट है वो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है 18/40। अब यहाँ वाई ऑन एक्स है तो बी वाई एक्स आएगा, ये यहाँ एक्स ऑन वाई है, एक्स ऑन वाई, एक्स की वैल्यू वाई में, तो 18/40 आएगा 0.45। इसके बाद इसने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला था निकालने के लिए, यानी इनका प्रोडक्ट करेंगे, जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आया है, और उसका रूट करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, प्रोडक्ट कर दो, रूट कर दो, आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव। उसके बाद वेरियंस ऑफ वाई निकालने के लिए बोला था इसने, वेरियंस ऑफ वाई, बी वाई एक्स की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, वेरियंस एक्स की वैल्यू 9 है, ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो ऑलरेडी स्टेटमेंट में, वेरियंस एक्स इजल टू 9। तो वेरियंस वाई निकालना है हमने यहाँ, फॉर्मूला बी वाई एक्स का होता है आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, ये वाई ऑन एक्स है तो वाई ऊपर एक्स नीचे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बी वाई एक्स की वैल्यू ऊपर आई थी 0.8, सिग्मा वाई की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू, रूट ऑफ वेरियंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन, आपको पता है जो वेरियंस होता है उसका रूट स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, 3 हो जाएगा यहाँ पे। आर की वैल्यू 0.6 आई, कैंसिल करके सिग्मा वाई को एक तरफ रखा, बाकी सामने भेज दिया, 4 आ रहा है सिग्मा वाई, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अगर 4 है तो उसका स्क्वेयर वेरियंस होगा वाई का, जो कि 16 होगा, ठीक है जी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 पे आएंगे, दो इक्वेशन है, आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने हैं, सेम उसी तरह निकलेंगे, वाई को एक्स में चेंज कर लो, एक्स को वाई में, एक तरफ वाई रहना चाहिए सिर्फ, एक तरफ एक्स रहना चाहिए सिर्फ, जब वाई ऑन एक्स निकालेंगे तो बी वाई एक्स आएगा, एक्स ऑन वाई निकालेंगे तो बी एक्स वाई आएगा, बी वाई एक्स बी एक्स वाई। कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना होगा तो दोनों का प्रोडक्ट करके रूट करेंगे, वाई की वैल्यू 3 के लिए निकालनी है तो आप यहाँ पे 3 पुट कर दोगे, 2 × 3 -3/2 दे रखा है, यही किया इसने देखो,
टू बाई थ्री इंटू थ्री कर दिया, वाई की वैल्यू 1/3 है। 14th क्वेश्चन, एक्स बार वाई बार निकालने हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट दे रखे हैं बी एक्स वाई बी वाई एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यहाँ भी दो इक्वेशन दे रखी हैं, यहाँ भी वही एक्स की वैल्यू वाई में, वाई की वैल्यू एक्स में निकालनी है। जो चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड एक्स बार वाई बार रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई। दो लाइन ऑफ रिग्रेशन दे रखी हैं, इन दोनों से हमने एक्स बार वाई बार मीन निकालना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यही तीन चीज़ें हमने एग्जाम्पल नंबर 12 में निकाली थी। मीन सेम इसी तरह इक्वेशन दे रखी थी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी तीन चीज़ें निकाली थी वहाँ भी, तीन चीज़ें यहाँ निकालनी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव आए थे, यहाँ नेगेटिव आए, और हमको पता है आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तीनों नेगेटिव आते हैं, तीनों का सेम साइन आता है, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो आर भी नेगेटिव आएगा, इसलिए रूट के बाहर जो निशान लगना है वो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का साइन आएगा, तो अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, बाकी प्रोडक्ट करेंगे। और ये हमने फोर्थ पॉइंट जो पढ़ा था, आर बी वाई एक्स बी एक्स वाई सेम साइन के होंगे, 7.6 पेज पे लास्ट में है ये, और ये भी देखा है हमने कि आर स्क्वेयर की वैल्यू इनका प्रोडक्ट आती है, आर स्क्वेयर की वैल्यू इनका प्रोडक्ट आती है, आर की वैल्यू प्लस माइनस आती है, और आर हमने वही लेना है जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का साइन होगा, इसलिए यहाँ प्लस कब आएगा जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, माइनस कब आएगा जब ये दोनों नेगेटिव होंगे। तो 14th एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 12 की तरह सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 पे आएंगे, यहाँ सिग्मा, यहाँ एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे रखे हैं, 0.8 कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है यानी आर है, y की वैल्यू निकालनी है मोस्ट प्रोबेबल जब x 70 हो। इसका मतलब ये है कि y की इक्वेशन x में निकाल के, रिग्रेशन लाइन निकाल के x को 70 पुट करना है, और x की वैल्यू y में निकाल के y को 90 पुट करना है। तो इसने यही किया, देखो x बार y बार r सिग्मा x सिग्मा y दे रखे थे, बी वाई एक्स बी एक्स वाई निकाल लिया, इक्वेशन निकाल ली, x को पुट कर दिया 70, x की इक्वेशन y में निकाल ली, y को पुट कर दिया 90, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, इसको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 70 एंड y इज इक्वल टू 90, y की 90 पे ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ रही है x की, y 90 करने पे, और ये x को 70 करने पे आ रही है। इसके बाद लास्ट एग्जांपल है हमारा 7.1 का, गिवन दैट x इज इक्वल टू 4y प्लस 5, y इज इक्वल टू kx प्लस 4 आर लाइंस ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, y ऑन x रिस्पेक्टिवली, शो दैट ये 0 से 1 के बीच में होगा। तो पहला काम हमारा 0 से 1 के बीच में लाना है इसको। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, x क्या, ये x ऑन y है, ये y ऑन x है, यहाँ से जो कोफिशेंट बनेगा वो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स बनेगा। x का x की इक्वेशन जब y में लेते हैं तो बी एक्स वाई आता है, y की इक्वेशन जब x में लेते हैं तो बी वाई एक्स आता है, ऊपर बी एक्स वाई आया, नीचे बी वाई एक्स आया, दोनों का प्रोडक्ट आर स्क्वेयर आता है। आर स्क्वेयर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि r माइनस 1 से 1 के बीच में होता है, ये पेज नंबर 6.12 पे दे रखा है, पिछले चैप्टर की 6.12 पेज पे, और मैं आपको ये दिखा भी चुका हूँ 6.12 पेज पे कि माइनस 1 से 1 के बीच में r रहेगा। अगर माइनस 1 से 1 के बीच में रहेगा तो उसका स्क्वेयर कभी भी 1 से आगे नहीं जा सकता, स्क्वेयर नेगेटिव तो होते नहीं है, तो 0 से शुरू होगा, 1 से कम होगा। इसके बाद 0 से 1 के बीच में आया, आर स्क्वेयर की वैल्यू 4k है, 0 से 1 के बीच में आ गई, यही प्रूव करना था। अगर k 1/16 हो, यानी हमने करना क्या है, इस इक्वेशन में जहां y की वैल्यू kx प्लस 4 है, इसमें हमने पुट करना है k को 1/16। अगर k 1/16 हो तो फाइंड मीन ऑफ टू वेरिएबल्स, मीन्स ऑफ टू वेरिएबल यानी x बार y बार निकालना है, कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दैम, कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए इसने k को 1/16 पुट करके यहाँ पुट कर दिया सीधा, आर स्क्वेयर की वैल्यू 4k आई थी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कौन होता है, आर स्क्वेयर की वैल्यू 4k आई थी, k को 1/16 पुट कर दो, आर स्क्वेयर की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, r आएगा प्लस माइनस 1/2। अब प्लस माइनस में कौन सा निशान लेना है, हमने बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो इसलिए प्लस का लेना है, जो निशान बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का होगा वही निशान r का होगा। आपने पॉजिटिव नेगेटिव में से चूज जब करना है तो आपने देखना है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स पॉजिटिव है या नहीं है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ देखो आप k की वैल्यू हमने 1/16 ली है, यानी ये दोनों पॉजिटिव हैं, जो साइन किसी एक का भी होगा वो तीनों का होगा, तो इसलिए यहाँ प्लस का साइन लिया। इसके बाद 1 और 2 से x बार की वैल्यू 4y बार प्लस 5 आ जाएगी, 2 से यहाँ से y इक्वल टू kx से y बार की वैल्यू
के एक्स बार प्लस 4 आ जाएगी, के की वैल्यू 1/16 ले रखी है। ये कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया था 7.5 पेज पे, 7.5 पेज पे हमने प्रूव किया कि y बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार होता है अगर इक्वेशन हो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ बार आ जाता है, मीन आ जाता है। तो अब जो वैल्यू आएंगी हमारी जो इक्वेशन होगी उसमें हम x की जगह x बार, y की जगह y बार पुट कर सकते हैं। करने के बाद सॉल्व किया इसको, सॉल्व करने के तीन मेथड हैं जो हमने छोटी क्लास में सीखे हैं। पहला विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करते हैं सेम बना के, जैसे यहाँ x बार है, यहाँ 1/16 x, यहाँ यहाँ भी x बार है, यहाँ भी x बार है। आप चाहो तो सीधा इसको माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को और y बार की वैल्यू निकाल लो। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन, जब एक वैल्यू से दूसरी को काट देते हैं तो दूसरी को बचा के y बार को बचा के हम उसका आंसर निकाल लेते हैं, फिर y बार को पुट करके x बार निकाल लेते हैं। तो आप ये भी कर सकते थे, जो इसने कर रखा है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसके अलावा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है जी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू जीरो हो, तो एक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी ई एफ आता है, वाई बाय बी सी ई एफ का मतलब एक्स के बाय में कौन आया, बी सी ई एफ इस तरह से, और बी के बाय में कौन, वाई के बाय में कौन आएगा, सी एफ पहला कॉलम, ए डी दूसरा कॉलम। इसी तरह से जो कॉन्स्टेंट बचता है उसके नाम का 1 ऊपर आता है और ए बी डी ई रो आती हैं उसमें, उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है जी, बी एफ माइनस ई सी, सी डी माइनस एफ ए, ई माइनस बी डी। तो यही हमने यहाँ लगाना है। ये मेथड लगाने पर एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार के बारे में आया, आप देखो ऊपर क्या है, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 16 64। तो माइनस 4 माइनस 5 माइनस 16 64, 64 माइनस 4 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 256, माइनस 6 माइनस 16 इंटू माइनस 5 माइनस प्लस 80, और माइनस का निशान आता ही है देखो बीच में आ रहा है, तो माइनस 80। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ से x बार y बार की वैल्यू आ जाएगी, यही हमको यहाँ निकालना था। इसके बाद आप एक्सरसाइज 7.1 को ट्राई करें।